अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। और आज का खाना में ज़बरदस्त काम वेजिटेरियंस के लिए, मेरी अपनी बहुत फेवरेट रेसिपी, बहुत मशहूर रेसिपी, मेरी माँ की रेसिपी, खट्टे करेले। और कहीं खट्टे मीठे करेले भी बनते हैं मगर मुझे मिठाई नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए मैं सिर्फ खट्टे करेले बनाता हूँ। आए चल के बनाते हैं खट्टे करेले। आपसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, मेरे साथ जल्दी से चलें, हम बना रहे हैं खट्टे करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, मेरी माँ की मशहूर रेसिपी खट्टे करेले। यहाँ करेले पील करके लच्छों में काट लिए, यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए सिंपल, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ा सा साथ साथ गाइड करते जाएं, सोचा एक करेला बचा लेते हैं। सिंपल आपने इसे पील करना है, बहुत ज़्यादा मोटी स्किन नहीं निकालनी, और इन लच्छों में काट लेना। करेला रफली पील करके, यानी कि पील करके, मगर ये है कि जितना करवाट का एक इशू उठता है तो ज़्यादा पील कर लिया करें। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से जो मोटे वाले बीज हैं, ये देखें, मैं अंगूठे की मदद से, किसी स्पून की मदद से इसे निकाल लें और इसको लच्छों में काट लें। ये करेले मेरे कट गए। अब इसका आगे का एक अच्छा प्रोसीजर है जो कड़वाहट को दूर करने वाला है। पहले इनको कंप्लीट करके आपको कड़वाहट दूर करने का तरीका भी बता दूँ। अच्छा, हमारे लच्छों में करेले कट गए, लच्छा मीन्स यानी कि रिंग्स में। अब आप साबुत करेले को भी कर सकते हैं, मगर बीज से, बीज वाला हिस्सा मैं निकाल देता हूँ वरना कड़वाहट बहुत बढ़ जाती है। यहाँ 2 टेबल स्पून हम ले लेंगे सॉल्ट। इसको यहाँ पे थोड़ा सा नमक के साथ रब करेंगे, रखेंगे थोड़ी देर ताकि वो अपनी कड़वाहट नमक के साथ बाहर निकाल दें। यहाँ पे इसे रख दिया है और अब इसको अच्छी तरह मल के मैं धो लूँगा। हमने करेले को अच्छी तरह से नमक के साथ लगाया, नमक के साथ लगाने के बाद धोया, धोने के बाद इसे निचोड़ा क्योंकि इसमें से बहुत सारा पानी होता है। यहाँ आपको नज़र आया, अब ये जो इशू है कि करेले की कड़वाहट कैसे दूर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर प्याली भर के ऑयल लिया। ये ऑयल में बाहर निकाल दूंगा ताकि हमारी बहुत ज़्यादा ऑयली खट्टे करेले ना बने। यहाँ पे इन्हें पहले फ्राई कर लेते हैं, थोड़े थोड़े करके फ्राई करें, और अगर करवाट नहीं निकालनी तो कम तेल लेके फ्राई कर लें। मैं यहाँ पे जो है वो तेल की वापस मिला ली है ताकि अच्छी तरह से हमारे करेले फ्राई हो जाएं। उनको फ्राई करके तेल अलग करके आगे का काम शुरू कर देंगे। चले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने एक मॉडरेट फ्राई किए हैं। बहुत सारी जगह बहुत क्रिस्पी और चिप्स बना दिया जाता है, तो वो आपको पता है कि सारी गजायत तो बर्बाद हो गई। 1 kg करेले थे, ये कितनी क्वांटिटी रह गई है। मैंने इतने फ्राई किए हैं कि कड़वाहट अच्छी खासी निकल जाए। इसको अब इस ऑयल से निकालेंगे, फिर ऑयल को पतीले से निकालेंगे और आगे का काम शुरू करते हैं। अब आधा ऑयल निकालने के बाद यहाँ पे मैंने 3 medium size की प्याज ले ली थी। प्याज बहुत ज़रूरी करेलों के लिए और खट्टे करेले के मसाले के लिए। यहाँ पे प्याज को बारीक चॉप कर लिया था और इसको अब हम अच्छा सुनहरा फ्राई करेंगे। प्याज मेरी अच्छी फ्राई हो गई, यहाँ प्याज का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। मैं शामिल कर दूँगा इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे 1 स्टिक मैं कड़ी पत्ता, जो मेरी मदर हर खाने में कड़ी पत्ता, और मुझे भी कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता की क्योंकि अफारियत पता है, और UAE में आके तो ख़ास तौर पर कड़ी पत्ता, जो केरला से जितने लोग हैं, केरले बंगाली, यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज हैं और जितने भी यहाँ पे यूजेज, जितना भी आपका ऑटोमेटिक में चले जाएँ, सबसे पहले आपको कड़ी पत्ते ही नज़र आएंगे। बालों के लिए, स्किन के लिए बेहतरीन तरीन अल्लाह ताला का तोहफा कड़ी पत्ता। छोटे छोटे टिप्स भी आपको कुकिंग के साथ साथ देते जाएँ। यहाँ पे अदरक लहसुन के साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ मैंने 3 medium size के टमाटर काट लिए थे बारीक टुकड़ों में। यह आ गया
करेले का प्रोसीजर धोने का, काटने का और उसको नमक लगा के रखने वाला, वो कुछ थोड़ा सा लेंदी है। मसाला बनाना ईजी है यहाँ पे, इसी बनाई करेंगे। ज़्यादा थोड़े से टमाटर नरम होगा, टमाटर थोड़े से नरम है तो हम उसको मसालों से भर देंगे। यहाँ पे 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, चलेगी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च ताकि कलर बहुत अच्छा है। यहाँ पे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, या फिर आप सारा पिसी लाल मिर्च से या कश्मीरी लाल मिर्च से बना सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून चला जाएगा धनिया, और फिलहाल 1 टीस्पून ले रहा हूँ नमक की, क्योंकि करेले में नमक अच्छा खासा पी लिया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे, इसको लगाएंगे ढक्कन ताकि टमाटर नरम हो जाए। मगर एक टिप अभी से मैं ये बता दूँ कि करेले शामिल करने के बाद आप पानी नहीं डालेंगे, वरना आपके करेले जो हैं आपको टाटा गुड बाई करके निकल जाएंगे कि भाई अब खाने के काबिल नहीं रहे। यहाँ पे इसको लगाएंगे ढक्कन, चूल्हे को ले जाएंगे मीडियम टू लो और इसको एक थोड़ा सा दम दे देंगे। 5 मिनट के ढक्कन में बना दिया हमारा बेहतरीन करेलों का मसाला, टमाटर अच्छा खासे। और अभी भी एक और स्टेप है जहां हम इसे खट्टे बनाएंगे। अच्छा, खट्टे मीठे भी बनते हैं, यानी कि इसमें गुड़ भी शामिल किया जाता है, मगर मैं नहीं करता। यहां पे हमारे तले हुए करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे ये आ गए, इसको थोड़ा सा भुनेंगे हमारे इस मसाले के साथ। हो गई, चरचर की आवाज आना शुरू हो गई। अब यहाँ पे 2 स्टेप हैं। 1 स्टेप तो ये है कि इसमें शामिल करेंगे खट्टा बनाने के लिए इमली का पल्प। यहाँ पे इमली को भिगो कर रख दिया था, ये आपके ऊपर है कि कितनी इमली आप खा सकते हैं। हैदराबादी फैमिलीज में, बिहारी फैमिलीज में तो बेतहाशा करेलों में खटास होती है। हमारे यहाँ भी ये जो रेसिपी आपको मैंने करेले की सिखाई, इसमें खट्टे करेले बनते हैं हैदराबादी, थोड़ा सा एंड में गुड़ भी शामिल कर लेते हैं ताकि खट्टे मीठे करेले हो जाएं। यहाँ मैं क्या करूँगा, चूल्हे को ले जाऊँगा बहुत मीडियम टू लो और 5 मिनट का एक और दम दे। चलें, अच्छा दम दे दिया, खुशबू का तूफान। और जिनको करेला पसंद है उनके लिए तो एक दावत है, और जिनको नहीं पसंद उनको नहीं पसंद। कुछ लोग ऐसे भी हैं करेला हेट करते हैं, और मेजोरिटी करेला लवर्स हैं। यहाँ पे इसको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, और घुमाएंगे फिरेंगे खुशबू से भरा हुआ मेरा आज खट्टा करेला या खट्टे करेले रेडी है। यकीनन आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, मेरे साथ इंजॉय करेंगे ज़बरदस्ती मेरी ये रेसिपी। आज का खाना भी तारिफ दाऊद आपके लिए लेके आए घर बैठे कीमती तोहफे जीतने का एक शानदार मौका। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मिल जाएंगे, उनको फॉलो करें और जीतें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन मुख्तलिफ कोलैबोरेशन। मुख्तलिफ कंपनीज के साथ मिलके हमने कोलैबोरेशन की है, जो आपको हर महीने 2 तोहफे मिलेंगे कुरानदाजी के तहत, आपके घर पर पहुँचा दिए जाएंगे कराची से बाहर के लोगों को कोरियर के थ्रू। तो यकीनन आपको ये बड़ा मज़े का जो है वो एक एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। आप फॉलो करते रहें आज का खाना भी तारीफ दाऊद।